दोस्तों बिहार पुलिस 2023 का जिस किसी ने भी फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस को जारी किया गया है। इस इम्पोर्टेंट नोटिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक लिस्ट निकाला गया है और इस लिस्ट में वैसे स्टूडेंट्स का नाम है जिसने बिहार पुलिस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में गलती किए हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिसने हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करने के बजाय सिर्फ इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड कर दिया हो या फिर सिर्फ हिंदी में सिग्नेचर अपलोड कर दिए एंड दोस्तों या फिर उसने सिग्नेचर जो अपलोड किया है वो सही से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस लिस्ट को चेक करके बताता हूँ कि आप अपना नाम इस लिस्ट में कैसे चेक करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपका नाम ये लिस्ट में आता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे चले आना। इस पोर्टल का नाम है csbc.bihnic.in। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे बिहार पुलिस के कॉलम में यहाँ पे 1/8/2023 को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिस को पढ़ने के लिए आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का नोटिस ओपन हो जाएगा। ये नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं 68 पेज का है, मतलब 68 पेज का ये नोटिस है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिस में पढ़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पढ़ के आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1/2023 बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों ने अपना फोटो एवं सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी में अपलोड नहीं किया है तथा कुछ अभ्यर्थियों के फोटो तथा हिंदी व अंग्रेजी के हस्ताक्षर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था ये जो लिस्ट निकला है वो उन लोगों के लिए है जिसने सही तरीके से अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 2/8/2023 से 8/8/2023 तक पर्षद के वेबसाइट के बिहार पुलिस टैब पर दिए गए लिंक पर लॉगिन कर विहित गुणवत्ता का फोटो एवं हस्ताक्षर पुनः अपलोड करें। यह अंतिम अवसर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपको जिम्मेवार मानते हुए बिना किसी सूचना के आपका अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इनका कहने के मतलब है कि जिन लोगों का यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर में गलती हुई अपलोड करने में उन लोगों को यहाँ पे 2 तारीख से 8 तारीख के बीच एक टाइम दिया जाता है सही तरीके से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। अगर फिर से आप किसी प्रकार से कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका जो आवेदन है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जिसने भी बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि अगर आपने सही से भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप एक बार अपना लिस्ट यहाँ पे चेक जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपका लिस्ट में नाम है और आप सही से दोबारा फोटो और सिग्नेचर को अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में नाम कैसे चेक करते हैं यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ, यहाँ से स्टार्ट है नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम एंड फादर नेम। एंड दोस्तों इस लिस्ट में टोटल 3279 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है। ये नंबर काफी बड़ी मात्रा में है तो आप एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो दोस्तों लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल और एफ प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अपना नाम चेक करना है तो यहाँ पे आप 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से, या तो अपना कैंडिडेट का अपना नाम से, और या तो फिर अपने फादर नेम से। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पे नाम चेक करें, क्योंकि अगर आप नाम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे राकेश नाम सर्च करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 24 नाम है। तो दोस्तों ऐसे में आपको एंटर प्रेस कर करके आपको 2400 नाम को एक एक करके देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर केवल एक ही होता है एक इंसान का, सेम दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने अप्लाई किया होगा, अप्लाई करने के बाद एक रसीद मिला होगा तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करना है। जैसे कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे सर्च करेंगे, जैसे मैंने एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पे देख के सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस लिस्ट में शो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको
एक यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा किसी और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करते हैं जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे 72 है ना, तो यहाँ पे मैं 70 सर्च करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 वाला यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, तो इसका लिस्ट में नाम नहीं है। तो इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिस्ट में है उन्हीं स्टूडेंट को फिर से सही तरीके से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों आप फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर में आप जाएंगे नोटिस में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो दोबारा 2/8 से 8/8 के बीच में आपका अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे 6 दिन का टाइम दिया गया है। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी 1 तारीख है और यहाँ पे डेट जो लिखा हुआ है 2 से 8 तक, ठीक है। तो आपको लिंक कहाँ पे मिलेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको फिर से CSBC के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आना है, एंड इसी में सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे कल एक लिंक को यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते 1/8/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है, एंड 2/8/2023 को एक लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नया लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो दूसरा लिंक है अप्लाई फॉर ऑनलाइन ऑफ द पोस्ट कॉन्स्टेबल ऑफ बिहार पुलिस, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करिएगा, ठीक है, एंड ओके पे क्लिक करिएगा। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे ये जो सर्वर है अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आप इसमें लॉग इन करके फिर से अपना फोटो सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या तो आपको एक स्पेशल लिंक जाएगा या फिर आपको इसी लिंक को फिर से एक्टिव किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे नया लिंक एक्टिव होता है मैं आपको वीडियोस बना के दिखा दूंगा कि कैसे आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट्स का डेटा आता है तो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको बिहार पुलिस के इस नोटिस के रिगार्डिंग सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जहां तक हो सके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इस भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।